हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अर्थिंग कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक पिट बनाते हैं। ये देखिए ये करीबन हो गया हमारा 8 इंच का एक पिट हो गया है। उसके अंदर ये रोड जो है कॉपर की ये रोड उस पिट के अंदर डालते हैं इस तरह से। ये देखिए ये हमने इसके अंदर कॉपर की रोड डाल दी है। और अब इसके अंदर जो हमारा केमिकल होता है, ये केमिकल बेसिकली क्या होता है, कार्बन और सॉल्ट का मिक्स होता है जो हम इसके अंदर डालते हैं। तो दोस्तों अब इसके अंदर हम लोगों ने ये मिक्स इसके अंदर डाल रहे हैं और इसके साथ साथ पानी भी हम इसके अंदर डालते रहते हैं ताकि ये मिक्स अच्छी तरह घुल के पानी के साथ नीचे बैठ जाए, ढंग से कंपैक्ट हो जाए। तो ये प्रोसेस है इसको मिक्स को डालने का। ये आप देख रहे हैं हम इसके अंदर पूरा डालने लग रहे हैं। अच्छी तरह मिक्स जो है ये धीरे धीरे करके इस गड्ढे को फूल ऊपर तक भर देते हैं। दोस्तों इस मिक्स को अच्छी तरह पानी में मिला के पानी के साथ इसको इसके अंदर डालते हैं, पोर करते हैं और उसको अच्छी तरह कंपैक्ट भी बीच बीच में हाथ से करते रहते हैं, जो मिक्स बीच में रुक जाता है उसको। जब ये गड्ढा पूरी तरह भर जाएगा तब हम इसको रोक देंगे, यानी इस गड्ढे को जब तक पूरी तरह ना भर जाए तब तक ये मिक्स इसके अंदर डालते रहना है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ये गड्ढा जो है पूरी तरह भर चुका है हमारे इस कंपाउंड से, जो कार्बन और सॉल्ट का ये जो मिक्स था ये कंपाउंड से ये गड्ढा पूरी तरह भर चुका है। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी पोर कर देंगे ताकि ये पूरा जो है गीला हो जाए। उससे पहले ये देखिए अब ये हाथ से इसमें जगह बना रहा है पानी डालने के लिए और फिर इसमें अभी ये पानी डालेगा आपके सामने। ये आप देख पा रहे हैं ये पहले हाथ से जगह बनाई जा रही है गड्ढे में पानी डालने के लिए। गड्ढा जो है भर चुका है केमिकल से पूरी तरह, तो अब ये हाथ से उसमें जगह बना रहा है और अब ये इसमें पानी डालेंगे ताकि ये केमिकल जो है पूरा अच्छी तरह इसमें बैठ जाए, अंदर चला जाए। दोस्तों इसके अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालेंगे उस ये उतना ही अच्छा रहेगा। अब इसके चारों तरफ मुंडेर बनाई जाती है ताकि इसमें पानी को इकट्ठा किया जा सके, इसके अंदर पानी को भर के इकट्ठा किया जा सके, क्योंकि पानी ही है जो इस जो हमने केमिकल डाला इसको इसमें नीचे तक कंपैक्ट कर देगा। क्योंकि जो केमिकल होता है ये भी सेल्फ कंपैक्टेड केमिकल होता है, ये पानी के साथ नीचे पूरा बैठ जाता है और अर्थिंग के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। चारों तरफ इसकी अभी हमने मुंडेर बना दी है और इसके अंदर हम पानी भर देंगे। तो दोस्तों जब इसमें पानी भर देंगे तो ये पूरा हमारी जो अर्थिंग है वो रेडी हो जाएगी। पर इसके साथ साथ हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर पानी हर 2-2 घंटे बाद डालते रहें, पानी सूखने ना पाए, ताकि ये जो मटेरियल है ये भी नीचे अच्छी तरह कंपैक्ट हो जाए और हमारी अर्थिंग पूरी उगता हो जाए। तो जैसे ही पानी सूखता है हर 2-3 घंटे में इसमें पानी डालते रहना है। तो ये अभी हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और हर 2-3 घंटे बाद इसमें जैसे पानी सूखता है हमें पानी डालना है। ये प्रोसेस हमें एक दो दिन करना है। तो जब इसमें पानी डल जाएगा और ये बिल्कुल जाएगा तो इसके ऊपर हम एक कैप लगाते हैं। तो मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में
मैं इसका कंप्लीट दिखा दूंगा कि इसको कैप कैसी होती है और वो कंप्लीट कैसे हो, मतलब उसको तैयार जो अर्थ होती है वो कैसे होती है। तो ये पानी अब इसमें डाल देते हैं और फिर हम लोग इसको इसके ऊपर कैप लगा देंगे। तो कैप लगाने के बाद ये अर्थिंग फिट हमारा कैसा नज़र आएगा वो आपको वीडियो के लास्ट में दिखाई देगा। तो अब इसमें पानी भर के हम इसको छोड़ देंगे और एक घंटे बाद इस पर कैप लगा देंगे। वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि ये कैप लगाने के बाद कैसा दिखता है। दोस्तों ये बनने के बाद पहले ऐसा दिखाई देता है और जब हम इसके ऊपर कवर लगा देते हैं तो ये फिर कुछ इस टाइप का नज़र आएगा। ये हमने इसके ऊपर कवर लगा दिया है और ये चारों तरफ से इसको मिट्टी को हमने बराबर कर दिया। तो ये कवर लगने के बाद कुछ इस टाइप का नज़र आएगा।